साल है वर्ल्ड कप का, तो एक बहुत बड़ा सवाल है पार्थिव कि ये जो हम ओपनर्स ट्राई कर रहे हैं, मतलब 20 गेम में 8 ओपनर्स हम ट्राई कर चुके हैं, आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आप इस सर्किट में रहे हैं, मुझे आप ये समझाएं कि ये जो ये एक ऑडिशन फेज है या क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि हम सूर्य कुमार यादव को से ओपन करा रहे हैं जबकि वो सेट है 4 नंबर पर, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंट का फेज तो जरूर चल रहा है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं कि भारत कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि केएल राहुल का फिटनेस आप पता नहीं है, कल रोहित शर्मा को भी बैक स्पैज़म हो गया है, तो एक कोशिश यहाँ पर वो भी हो रही है कि क्या भारत बैकअप रेडी रख रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके पास दूसरा ओपनर रेडी हो। दूसरा एक चीज भी है कि अगर आप दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को खिलाने की अगर आप चाह रहे हो तो फिर आप केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली वो तीनों के साथ नहीं खेल सकते। तो क्या सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत जब ओपन करा के विराट कोहली को 3 नंबर बल्लेबाजी कराओ, या फिर विराट कोहली से भी ओपन करा सकते हो एशिया कप में? तो ये सारी चीजें मेरे नजर में है, और रोहित शर्मा भी फिट है, तो फिर आप ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को 11 में नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि 5 नंबर पे आपके पास हार्दिक पांडे आ जाएंगे, 6 पे रविंद्र जडेजा या दिनेश कार्तिक 6-7 हो जाएंगे, और फिर बोला स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर कोशिश यहाँ पे ये है कि कैसे विराट कोहली को इस टीम में जगह दी जाए, या फिर अगर कोई अनफिट है तो आपको बैकअप के लिए भी रेडी रख रहे हैं। जी, और पार्थिव ये आपके साथ भी हुआ है, विराट कोहली के फॉर्म पर जो इतना इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और जैसे हमने विराट कोहली का नाम लिया, हमारा चैट जो है विराट कोहली करने लगा जो पूरे ये जो उनके फॉर्म पे इतनी चर्चाएं हो रही है, आई एम श्योर जिस तरीके ये खिलाड़ी वो कम बैक तो कर लेंगे, लेकिन उनके माइंडसेट से अगर आप देखें तो उन पर क्या गुजर रही होगी? आई थिंक सबसे ज्यादा तो वो बेताब हो गए कि कब फॉर्म में वापस आए, क्योंकि उस तरह का स्टैंडर्ड उन्होंने अपने आप के लिए सेट किया हुआ है, और इसीलिए कई प्लेयर्स का जब 40-50 रन होता है तो वो ऐसा गिना जाता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन विराट कोहली का 40-50 रन का परफॉर्मेंस फेलियर में चला जाता है। तो जी जब जब खुद भी उन्होंने उतना स्टैंडर्ड अपना सेट किया हुआ है, तो आई एम श्योर वो चाह रहे होंगे कि हो सके उतना जल्दी से फॉर्म में आए। तो खुद के लिए तो एक चीज है ही है, लेकिन भारत के लिए विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा काबिलियत है, हमने देखा हुआ है किस तरह का के प्लेयर है विराट कोहली, और किस तरह से सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो चाह रहे होंगे कि कैसे फॉर्म में आए, और वो अलग अलग तरीका जरूर ढूंढ रहे हैं, अभी ब्रेक जरूर लिया है, तो हम चाहेंगे एज अ फैन विराट कोहली के भी कि वापस आए तो जबरदस्त वापसी करें।